इस समय मानसून प्रदेश में दस्तक दे चुका है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वासियों को मानसून का इंतजार है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 20 जून को मानसून मेरठ सहित पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन उससे पहले 16 तारीख से 3 दिन तक बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। इस समय तापमान जेठ में जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता था वो इस समय घटकर 35-36 डिग्री सेंटीग्रेड। हालांकि दोपहर को तेज़ धूप के चलते लोगों को हल्की फुल्की गर्मी का एहसास होता है, लेकिन फिलहाल गर्मी के इस बार वो तेवर अभी तक जेठ में नहीं देखने को मिल रहे जो आमतौर पर होते थे। हर साल जेठ की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ती थी, लेकिन इस बार तापमान में काफी कमी। माना जा रहा था 20 तारीख के बाद, 20 जून के बाद मेरठ में तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से मौसम में बार बार परिवर्तन हो रहा है उसे देखते हुए ऐसा तो अब नहीं लग रहा कि तापमान में फिर से दोबारा से बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि मौसम में परिवर्तन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछले साल यानी वर्ष 2020 में मानसून जिस तरीके से आया था और बारिश की संभावना व्यक्त की गई थी बिल्कुल उसके विपरीत हुआ। और मेरठ ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 40% यानी 40% कम बारिश हुई। आज सुबह से तेज धूप, हालांकि हवा भी चल रही है, लेकिन गर्मी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा गर्मी की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। आसमान अभी बिल्कुल साफ, ये सूरज इस बार मानसून अन्य सालों की अपेक्षा एक हफ्ते पहले दस्तक दे चुका है उत्तर प्रदेश में।